नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। झारखंड की सियासत से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर है और खबर यह है कि सरयू राय जो जमशेदपुर पूर्वी सीट से मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हैं, उनकी तारीफ की है जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने। और न सिर्फ तारीफ की है हेमंत सोरेन ने बल्कि विपक्षी दलों को सरयू राय की मदद करने की अपील की है। उन्होंने ये कहा है कि सरयू राय जिस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहे हैं, इसको लेकर उनकी मदद की जानी चाहिए जमशेदपुर पूर्वी सीट से। तो जाहिर है कांग्रेस का धर्म संकट भी बढ़ गया है क्योंकि कांग्रेस ने पहले ही अपना उम्मीदवार जमशेदपुर पूर्वी सीट से उतार दिया है। गौरव वल्लभ शास्त्री जिन्होंने एक टीवी डिबेट के दौरान संबित पात्रा जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उनसे ट्रिलियन का जीरो पूछ दिया था, उनको कांग्रेस ने जमशेदपुर पूर्वी सीट से मैदान में उतारा है जहां से सरयू राय और सीएम रघुवर दास चुनाव लड़ने वाले हैं। माना जा रहा है कि ये मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने अपील की है कि सरयू राय की मदद की जानी चाहिए, विपक्षी दलों को उनकी मदद करनी चाहिए, तो क्या कांग्रेस बैकफुट पर आएगी? क्या गौरव वल्लभ शास्त्री का नाम वापस लेगी? क्या अपने उम्मीदवार वहां से नहीं उतारेगी? गौरव वल्लभ शास्त्री को वहां से मैदान में नहीं उतारेगी, कदम पीछे हटा लेगी? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और सबसे दिलचस्प और सबसे अहम यह होगा कि अगर वाकई कांग्रेस बैकफुट पर आती है और सरयू राय को मदद करता है विपक्षी खेमा, तो जाहिर है सीएम रघुवर दास की मुश्किलें बेहद बढ़ जाएंगी, उनकी चुनौतियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि सरयू राय अपने आप में कद्दावर नेता है झारखंड में। और पहले से यह माना जा रहा है कि जब सीएम रघुवर दास के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं तो रघुवर दास की मुश्किलें बढ़ेंगी, और जब विपक्षी खेमा उनको मदद करने को तैयार हो जाएगा तो रघुवर दास की राह और मुश्किल हो जाएगी। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।